इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो 8 मार्च को हर साल मनाते हैं, बट ये है कि सिम्बॉलिकली हमको ये दिन तो जरूरी है मनाना, लेकिन ये आपने बहुत सही कहा, अगर जेके में हम देखेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस ऑन राइज है और चीजें भी जो है हीनस क्राइम्स भी देखेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी हमारी लड़कियां पढ़ें, उनमें हम अवेयरनेस फैलाएं, लीगल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबल सोशल प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स उनको बनाएं, बट एट द सेम टाइम हम ये भी देखें कि हम लड़कियों को एम्पावर कैसे करें। एम्पावर का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़ाई है और हम बाहर निकल रहे हैं कि हम कहेंगे, बट इक्वालिटी एंड इक्विटी, अगर एक लड़की घर में है उसका रोल डिसीजन मेकिंग में भी होना चाहिए, उससे भी माँ बाप पूछने चाहिए किस तरीके का मकान बनाएं, कौन से पर्दे लगाएं, उसका हर मतलब जो घर में मेजर डिसीजंस होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करनी चाहिए और एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। सो आज के दिन के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि फीमेल को सबसे पहले एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। अगर फीमेल किसी भी घर से हो, यतीम हो, कोई भी प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में हो, बट अगर उसके पास एजुकेशन हो और वो एजुकेशन उसकी क्वालिटी एजुकेशन हो, वो जिंदगी भर कभी भी मोहताज नहीं रहेगी। फीमेल एम्पावरमेंट सिर्फ स्टार्ट होती है एजुकेशन से, क्वालिटी एजुकेशन से, क्वालिटी स्किल से। तो फीमेल्स को एट लीस्ट अपनी एजुकेशन के साथ पर डे स्पेंड करनी चाहिए 5 से 6 घंटे, तभी एक फीमेल डायमंड बन जाएगी।